हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात करेंगे डीसीबी बैंक के बारे में। यह है डीसीबी बैंक का डेली चार्ट। करेंटली ट्रेड कर रहा है 99.30 पे। लो की अगर बात करूँ तो 73 के आसपास जाके आया है ये स्टॉक। फिलहाल एक रेजिस्टेंस जोन में है जिसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है इस स्टॉक ने, वो है 100 रुपये। 100 के ऊपर अगर जाता है तो फिर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी इस काउंटर में। सो पहला रेजिस्टेंस 100 है। मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं गया है, मूविंग एवरेज के ऊपर जाने से नीचे आ चुका है। ऊपर गया ज़रूर था लेकिन रेजिस्ट हो गया है। सुपर ट्रेंड की अगर मैं बात करूं तो सुपर ट्रेंड अभी 112 रुपये के पास है। सो अगर ये 100 के ऊपर जाता है तो 112 से जो 100 का रेंज है वो एक अच्छा बाइंग रेंज है। इस रेंज में आप ऐड कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में 150 प्लस का टारगेट देखने को मिल सकता है। सो 100 पे अगर बाय करते हैं तो 50% रिटर्न, 150 तक जा सकता है ये स्टॉक। होल्ड कीजिए 3 से 4 महीने। लॉन्ग टर्म होल्ड करेंगे तो भी अच्छा है ये काउंटर। सुपर ट्रेंड नेगेटिव हुआ था 182 पे और अभी 99 पे ट्रेड कर रहा है। नीचे में 77 तक जा सकता है ये काउंटर, बट अगर उस रेंज में जाता है तो काफ़ी अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा। वहाँ पे और ऐड कीजिए, छोटी क्वांटिटी में ऐड कीजिए इस रेंज में। लॉन्ग टर्म व्यू रखें, अच्छा खासा मुनाफा होगा इस काउंटर में। सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जहाँ तक बात है, आइए जानते हैं कुछ और। सो पहला जो सपोर्ट था वो यहाँ पे ब्रीच हुआ 180 के पास, बट फिर ऊपर गया और यहाँ पे दूसरी बार ब्रीच हुआ और नीचे की तरफ जा रहा है ये स्टॉक। उसके बाद जो सपोर्ट बना वो यहाँ पे बना और वो ब्रीच हुआ 180 के पास वापस, और अभी ट्रेड कर रहा है 99 पे। इसे अगर मैं सपोर्ट के पास लेके आऊँ तो ये ऑलमोस्ट सपोर्ट तक आके गया है ये स्टॉक। सपोर्ट 69 पे है, 73 से रिवर्स हुआ है। लॉन्ग टर्म व्यू अगर देखूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो सपोर्ट है उसको टच करके ऊपर की तरफ आया है ये काउंटर। तो ये जो रेंज है ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट का काम कर रहा है अभी डीसीबी बैंक के लिए। इस रेंज में अगर मिलता है तो अच्छी खासी क्वांटिटी ऐड कीजिए। फिलहाल छोटी क्वांटिटी में ऐड करते रहिए, शॉर्ट टर्म में इन लेवल्स पे आ सकता है ये स्टॉक 150-160 के बीच। लॉन्ग टर्म होल्ड करेंगे तो भी काफ़ी अच्छा मुनाफा देगा डीसीबी बैंक। तो यही सलाह रहेगी कि नीचे की तरफ अगर जाता है तो 77 तक बाई कीजिए, छोटी छोटी क्वांटिटी में ऐड कीजिए। अगर 100 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो अपसाइड ओपन हो जाएगा, बट मार्केट काफ़ी वॉलाटाइल है फिलहाल, तो पूरी क्वांटिटी एक साथ बाई ना करें। अगर करेक्शन आता है तो नीचे की तरफ बाई करें, कैश थोड़ा रिजर्व में रखें और अच्छा खासा एवरेज प्राइस बना के रखें, ताकि आपके 90 के अंदर अगर ये स्टॉक का एवरेज है तो आने वाले समय में अच्छा खासा रिटर्न्स देगा डीसीबी बैंक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब फॉर रेगुलर अपडेट्स।